अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हो? अल्लाह का अल्लाह आपको खुश रखे भाइयों। भाई आज मैं अपनी रिपोर्ट एक लगा रहा हूँ। मैंने मेहनत बहुत करी है उस रिपोर्ट बनाने के लिए। ऐसा हुआ था, जुमरात को मैं गया था, बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी, बहुत अच्छा मछली मारा था, लेकिन इतफाक से एडिटिंग दो रात जो ना वो वीडियो डिलीट हो गई मेरे से ना। तो अब मैंने बोला यार वीडियो डिलीट हो गई, मैंने बहुत कोशिश करी उसको वापसी लाने की, लेकिन मैं ला नहीं पाया। तो फिर मैंने बोला यार हफ्ते को फिर जाता हूँ, रिपोर्ट अच्छी है दोबारा, यानी कि मैंने प्रोग्राम बनाया अपना। हफ्ते को मैं गया वहाँ पे, तो हफ्ते की रात पूरी रात खेला, सिर्फ एक छोटा सा गोली लगा था बस मेरे को, मैंने वो सर रिपोर्ट बनाई नहीं। बात ये है भाई, मैं हूँ सच्चा आदमी, समझा? मैं चाहता तो आगे पीछे से कहीं से भी उठा के मछली खींच लेता, अब तस्वीरें लगा लेता, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा कभी भी। मैंने ये काम किया सच्चाई से, ये चैनल स्टार्ट किया सच्चाई बिल्कुल, ठीक है? लगे या ना लगे, आपको पता है मछली लगती भी है, कभी लाड़ा भी हो जाता है। तो बात यही है, लोग मछली की तो रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन लाड़े की कोई रिपोर्ट नहीं लगाता, ठीक है ना भाई? तो मैं आज ये अपने ये लाड़े की भी रिपोर्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने मेहनत बहुत करी है, ठीक है भाई, आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा, अगर ऐसी आप मेरे को हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं ऐसी आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा मैं। ये देख लेना व्यूअर्स, मैं जुमरात की रिपोर्ट बड़ी प्यारी थी, तो वो तो मसला हो गया, मैंने आपको बताया नहीं है। खैर बताता हूँ मैं आपको कि जुमरात को जो मैंने वीडियो शूट करी थी वो मेरे से डिलीट हो गई गलती से। अब ये है कि गूगल मैप के ज़रिए, कोई सेटिंग के ज़रिए, या उसके पास जाऊँगा, वीडियोस निकलवाऊँगा, ठीक है? और रिपोर्ट भी बड़ी प्यारी थी। तो बाखुदा मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए नहीं दोबारा जा रहा हूँ मैं आज हफ्ते को। वहाँ की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मछली बहुत अच्छा लग रहा है, बारे मछली अच्छा लग रहा है, तो इसलिए दोबारा ये सेटिंग मैंने बनाई है। अब हम उस दिन हम तीन गए थे, अभी हम सिर्फ दो जा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? अच्छा तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त आया हूँ तारीख होटल पे, यहाँ हमारा स्टे लाजमी होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग रोटियाँ लेंगे, सालन तो ले लिया हमने उन्हें वहाँ से अपने इलाके से, अब यहाँ से रोटियाँ लेंगे और ये पानी की बोतल भरूँगा मैं, ठीक है? पानी ले आना ज़रूरी है, वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ से ये पानी की बोतल अब भरेंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे हम लोग कहने के प्रोग्राम पर, ठीक है? हाँ तो वेट टू व्यूअर्स, ये जगह आप देख लें, ये है बंगाली वाली, असल बंगाली वाली, और बंगाली वाली भी बोलते हैं, कोई वट्टो जी भी बोलते हैं। और देख रहे हैं सुबह का मंजर है, ये लोग आ रहे हैं खेलने, पानी में भी खड़े होकर खेल लें। जो मेरी रिपोर्टें हैं इसी जगह की हैं, सही है? उस वीडियो में सही तरीके लोकेशन दिखा नहीं पाया, तो इस जगह की लोकेशन अब दिखाता हूँ मैं आपको सही तरीके से। आज गेम कुछ ख़ास नहीं हुआ, पानी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बांग लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, कम हुआ हुआ है। ये हमारे आमिर भाई, यार आमिर भाई इस जगह का नाम क्या है सही? बंगाली ना, बंगाली भी बोलते हैं, कोई वट्टो जी भी बोलते हैं। वट्टो जी वो है सामने और ये बंगाली पॉइंट है। अब ये तो किनारे ही यानी कि छुप गया है, वरना मैं तुम्हें दिखाता, यहाँ पानी भर गया सारा, पूरा खुला हुआ होता है जिस जगह वो लोग खेल रहे हैं, खड़े होकर उस जगह पे खेल लेते हम लोग। तो अब इस तरफ आगे हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये भाई लोग आए हुए हैं इंटरव्यू। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जीशान नाम है। जीशान, हाँ भाई मज़े आ रहे हैं? अरे बस रात भर आज पार हो गया। भाई ये जगह ऐसी है, मछली लगती है यहाँ पे, ये बात नहीं है, नहीं, पानी नहीं, में कोई मसला है? पानी बहुत गंदा है, बदबू आ रही है पानी के अंदर, बाकी में आज मज़ा नहीं आया शिकार। हाँ ये पानी का मसला है, पानी है थोड़ा खराबा लग गया है पानी के अंदर। हालांकि तारीख तो बड़ी बेस्ट है, 23-24 तारीख है चांद की, लेकिन बस ये ख़राबे की वजह से हिसाब किताब हो गया ख़राब। तो व्यूअर्स आपने मेरी यहाँ की वीडियो तो देखी होंगी, यहाँ से मैंने गोलियाँ भी मारी हैं और अपना हीरे बेतहाशा हीरे मारे हैं। आज ये फर्स्ट टाइम लाड़ा हो रहा है,
तो मैंने सोचा लाड़े की भी क्यों ना वीडियो बनाऊं। सब बोलेंगे यार काशिफ भाई मछली की वीडियो बनाते हो सारी, लाड़े की नहीं बनाते हो। तो भाई लाड़ा भी हो जाता है काशिफ भाई को, ये बात नहीं है। काशिफ भाई को ऊपर से नहीं उतरा है उसको भी लाड़ा हो जाता है, समझे आप। हाँ बस ये कह सकता हूँ कि अगर 7 दफ़ा आऊँगा तो इंशाल्लाह 5 दफ़ा मछली लाजमी लेके जाता हूँ मैं इस जगह से, VIP जगह ये। 2 दफ़ा लाड़ा हो गया कोई मसला नहीं है। ये देखो लोकेशन देखो कितनी प्यारी है इस जगह की। अभी आप अभी आपको रास्ते की भी इंशाल्लाह वीडियो दिखाऊंगा मैं, पूरा रास्ता दिखाऊंगा यहाँ पे आने का क्या तरीक़ेकार है। सही है भाई, बताना है ना यार उस बीच में रास्ता। लोग बोलते हैं यार ये बंगाली वाली जगह है कहाँ, पोर्टकासम पोर्टकासम। तो अब जी है। हाँ वो वट्टो जी बंगाली है। ये काला डोरा है, पीछे काला डोरा है। अब तो वो जक्का बना दिया उन लोगों ने लांचों का पीछे का, वहाँ से अब लांचों में भी बैठ के जाते हैं लोग। ये भाई आए हुए। हाँ भाई क्या नाम है भाई आपका? नाम पूछ के क्या करोगे भाई, नींद खराब हुई है भैया, नींद खराब हुई है भाई। भाई ये भी सताए में और हम भी सताए में, इस वक्त सारे सताए में, लेकिन ये सुबह वाले आए क्या पता ये सुबह वाले लपेट दें माल। अरे रात वाले तो अच्छी खासी घर वाली मना कर रही थी कि चाहे जुबू से खाना यही खा लो, लेकिन भाई वो जो शिकार का कीड़ा है वो कहाँ ले ये भाई कीड़ा बहुत खतरनाक है बेशक। क्या करें भाई, मजबूरी है ये हमारी भाई, यही होता है। दोस्त हमारे घरों घर पे आ जाते हैं, हमें जाना पड़ता है भाई। बात यही है कि बंदा आता है यहाँ पे, सही है, खेलता है, फिर वो नहीं लगती उसको मछली, वो गुस्से में जाता है, बोलता है यार मैं नहीं आऊँगा, लेकिन 2 दिन गुजरते हैं फिर आता है फिर आता है वो। तो भाई ये पीछे हटने वाला काम नहीं है, जो इसमें घुस गया वो पीछे नहीं हटता। हाँ हाँ समझो इस काम में फंस गया, लेकिन बुरा काम नहीं है भाई, अच्छा काम है। मछली घर पे ताज़ा ताज़ा मछली बंदा घर पे लेकर आता है, बाज़ार में ख़राब मछली मिल रही है सड़ी हुई, उससे अच्छा तो बेहतर है ये बंदा यहाँ से भले थोड़ी सी लेके जाए, लेकिन ताज़ा मछली लेके जाता है यहाँ से अपनी पकड़ के। तो कभी कभार लाड़ा भी जाता है, ये बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लाड़े से घबराना नहीं है, लड़ते रहना है। साल हमारे साथ तो लाड़ा हो रहा है भाई। हाँ भाई किसी को साल हो रहा है किसी को, वैसे एक बार बताऊँ मैं हकीकत बताऊँ, मेरे को ये फर्स्ट टाइम हो रहा है लाड़ा इस जगह पे। लाड़ा तो खैर नहीं हुआ, गोली मारा है मैंने छोटा, लेकिन खैर उसकी रिपोर्ट नहीं बना रहा मैं, क्योंकि दाने बड़े ही मारता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरे चैनल पे देखना मेरी रिपोर्टें लगी हुई हैं। हाँ अच्छा गाइस मैं आगे की अब आपको वीडियो शूट करता हूँ रास्ते की, ठीक है, रास्ते की दिखाता हूँ। भाई लोगों ये रास्ता है बंगाली वाली का, जब निकल रहे हैं ये देखो थोड़ा सा रास्ता है ये 10 मिनट का, पीछे का पानी है देखो। ये हम छोड़ के आ गए अभी पानी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये रास्ता रशियन से घर जाने का, थोड़ा थोड़ा फिर बना ये देख लो रास्ता भी, और रास्ता है समझाओ ना कि ज्वार में ये बंद हो जाता है वो है। बताओ भाई ज्वार के अंदर जो है ना ये रास्ता बंद हो जाता है, सीधा कोने से निकलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पानी पानी हो जाता है, जब पानी ज़्यादा चढ़ जाता है ना तो ये यहाँ पे पूरा रास्ता मिल जाएगा आपको, नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बीच में नाली जो है, ये बीच में नाली आने वाली है, अभी खैर पानी बांग का है, ठीक है। ज्वार में ये नाली भर जाती है पूरी, इस पे से हम लोग पानी में से निकलते हैं, लेकिन अभी ये खाली सूखा पड़ा हुआ है, अभी हम सुकून से निकलेंगे इस जगह से। हाँ अगर जैसे कोई मसला हो व्यूअर्स आने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये टायर के निशान फॉलो करें, देखें टायर के निशान बने हुए, ये आपको डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट पे पहुँचा देंगे, ये बंगाली वाले पे पोर्टकासम बंगाली वाली, सामने आपको मदार नज़र आ रहा होगा पोर्टकासम का। चलो हमें वहीं जाना है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं ध्यान।
बैठा हुआ है, ये उल्लू बैठा हुआ है, देखे आप। यहाँ बहुत तरह तरह के जानवर हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, एक से एक जानवर देखने के लिए मिलता है। अभी फिलहाल ये नज़र आ गया तो हमने गाड़ी रोक के ये बना रहे हैं वीडियो, देखें आप। बाहर कहाँ से निकलते हैं और अंदर कहाँ से आते हैं, अभी आगे का आपको दिखाते हैं। हाँ बोलो। हाँ तो व्यूअर्स ये जगह देख लो, ये है जगह अंदर होने की, ठीक है। अब ये गाड़ी आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखते हैं आप इस जगह को, ये अंदर की वीडियो है, बाहर से भी दिखाऊंगा मैं दोस्तों कहाँ से। ये थोड़ा सा गब है बस, थोड़ा गब है, यहाँ से निकल जाएगी, ये निकल गई गाड़ी भाई, थोड़ा सा है खाली। अभी गाड़ी बाहर आ गई हमारी रोड के ऊपर, पीछे पीछे का दिखाना है। हम जाएंगे शनाख्ती कार्ड लेने, अब हम जाएंगे शनाख्ती कार्ड लेने। शनाख्ती कार्ड हमने जमा करवाया था, सामने देख ले आपको चौकी है, तो चौकी के पास जा रहे हैं हम लोग। ये देखो भी, और ये है शासन का मजार, रशियन पॉइंट इसको कहते हैं। ये देखो सामने चौकी बनी हुई है, अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, चौकी से हम अपना NIC लेंगे, जमा करा के गए थे, ठीक है। और ये बिल्कुल सही चीज़ है, आप कभी भी जाओ NIC जमा करा के जाओ, ये आपकी सेफ्टी है, कभी भी बगैर शनाख्ती कार्ड के नहीं जाना, ये बहुत ख्याल करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखो आप, ये रशियन का मज़ार है ऊपर, शासन का मज़ार है। गाड़ियाँ आई हुई हैं सारी, लाशों पे भी जा रहे हैं, ठीक है। और ये आमिर भाई जा रहे हैं चौकी के ऊपर NIC लेने, ये चौकी है, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है भाई, ये सही है बिल्कुल। अगर आप ये NIC जमा करा के चले आओगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर सही है ना। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, अगर जैसे आप सुबह नहीं आए तो फिर ये खुद जाते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बहुत सेफ्टी करते हैं, गवर्नमेंट के बंदे हैं, बड़ा ख्याल करते हैं ये। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप यहाँ पे NIC जमा कराएं और जाएं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं करते, किसी को नहीं मना करते, ठीक है भाई। ये रशियन देख लें आप, रशियन ब्रिज, पूरी वीडियो देख लें आप, बड़ी VIP जगह है। आज इतवार है, आज तो बहुत रश होगा, ठीक है। हम लोग तो अब घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रश लगना शुरू हो जाएगा, बहुत आवाम आएगी, फैमिली आएंगी, सब आएंगी इंशाल्लाह। कभी मैं भी अपनी फैमिली को लेकर आया ना, तो फिर यहाँ की वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगा, बनाऊँगा यहाँ की फैमिली की, ठीक है। अच्छा वीडियोस अब चलते हैं, बहुत हो गई वीडियो, ठीक है। इंशाल्लाह आप मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी भाई आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।